नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। और दोस्तों, राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ गई है कि पटवारी भर्ती नोटिफिकेशन इसी सप्ताह आपके जारी होना था, लेकिन अब आपके वह अगले सप्ताह यानी अगस्त के सेकंड वीक में ही जारी हो पाएगा। अगस्त के सेकंड वीक से पहले आपके पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसका हम कारण भी बताएंगे आपको। ऑफिशियल न्यूज़ प्रकाशित हुई है आज के राजस्थान पत्रिका में, पूरी न्यूज़ हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, पटवारी भर्ती की योग्यता बीच में आपके ग्रेजुएशन कर दी गई थी, लेकिन अब वापस से मांग उठ रही है कि पटवारी भर्ती 12वीं पास ही करवाई जाए, तो इस बार यह 12वीं पास आ सकती है, इसके पूरे पूरे चांस है आपके। इसके साथ ही दोस्तों, इसमें जो आपके दो एग्जाम होते हैं प्री और मेन, इस बार केवल एक ही एग्जाम होगा, केवल मेन एग्जाम, उसको लेकर भी न्यूज़ प्रकाशित हुई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। केवल एक ही एग्जाम के आधार पर इसमें अब सिलेक्शन किया जाएगा, जो पटवारी मेन का एग्जाम होता था पहले वही एग्जाम आपके होगा, पटवारी प्री का एग्जाम इसमें आपके हटा दिया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर ये भी है कि इस बार आपके MBC को 5% और EWS को 10% आरक्षण इसमें दिया जाएगा, पूरी न्यूज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी का आइकन है उसे आप जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, हमने पटवारी भर्ती के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम पटवारी भर्ती से संबंधित प्रत्येक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, इंतजार बढ़ा, राजस्व मंडल ने एक महीने पहले भेजा था प्रस्ताव, भू राजस्व नियम में संशोधन के बाद ही होगी पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इंतजार और बढ़ गया है, भू राजस्व नियम में संशोधन के बाद ही फिर आपके पटवारी के 3835 पदों पर हो पाएगी, यानी लगभग आपके यह भर्ती एक सप्ताह और लेट हो गई है। नीचे हम इसमें देख लेते हैं कि किस रीजन से यह एक सप्ताह और लेट हुई है। तो राज्य सरकार ने पटवारी के 3835 पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी, लेकिन इस भर्ती के लिए प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हो पाई। इसकी वजह यह है कि पटवारी भर्ती के लिए कंप्यूटर संबंधी शैक्षणिक योग्यता में परिवर्तन किया जा रहा है और इसके लिए भू राजस्व नियमों में संशोधन होगा। इसके अलावा MBC यानी अति पिछड़ा वर्ग और EWS यानी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण भी किया जाना बाकी है। दोस्तों, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि MBC और EWS को इसमें आरक्षण दिया जाएगा और उसके अनुसार वर्गीकरण जो है रिक्तियों के अनुसार वर्गवार वर्गीकरण इसमें किया जा रहा है, जो अभी शेष है। आगे दिया हुआ है, राजस्व मंडल ने एक महीने पहले संशोधन संबंधी प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया था, अब मामला सरकार के राजस्व कार्मिक और वित्त विभाग से मंजूरी के बाद मंडल को वापस मिलने पर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जरिए भर्ती शुरू होगी। कि BTech MTech को भर्ती से इनकार करने का मामला कोर्ट में पहुंचा था। पटवारी पद पर आखिरी भर्ती आपके 2015 में हुई थी और 2015 में भर्ती अभ्यर्थियों को कंप्यूटर संबंधी ज्ञान के लिए RSCIT रखी गई थी, यानी उस समय जो योग्यता थी पटवारी भर्ती के लिए वो आपके 12वीं पास प्लस RSCIT थी, जो कंप्यूटर ज्ञान में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। और भर्ती में बड़ी संख्या में BTech और MTech के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने भी इसमें आवेदन किया था, लेकिन RSCIT की योग्यता उनके पास नहीं थी, उनके पास केवल MTech और BTech की योग्यता थी। इस पर BTech MTech अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल नहीं किया गया और नतीजा यह हुआ कि वो हाईकोर्ट में गए और 300 याचिकाएं दायर की। लगभग 300 याचिकाएं BTech की तरफ से दायर हुई और वहां पर विवाद फंस गया और फिर फैसला हुआ कि भर्ती में उच्च कंप्यूटर डिग्री धारकों को भी शामिल किया जाए और बाद में उन्हें शामिल किया गया। लेकिन इसके लिए पटवारी भर्ती को लेकर बने राजस्थान भू राजस्व नियम 1957 में संशोधन जरूरी है। इसके अलावा हाल ही में लागू हुए अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण प्रावधान भी इस भर्ती में किए जाने के पदों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इसमें अब संशोधन किया जाएगा, जो 12वीं पास प्लस RSCIT योग्यता रखी गई है RSCIT को हटाकर वहां पर RSCIT प्लस कंप्यूटर में उच्च योग्यता BTech MTech सभी को इसमें शामिल किया जाएगा।
फिर इसमें नीचे दिया हुआ है भर्तियों पर एक नज़र, पटवारी के स्वीकृत पद हैं आपके 12,252, कुल कार्यरत पटवारी हैं आपके 8,718, रिक्त पदों की संख्या है आपके 3835 और आखिरी परीक्षा आपके 2015 में हुई थी। फिर दिया हुआ लास्ट में इधर कि नियमों में संशोधन हुए, अन्य प्रस्ताव भेजे हुए हैं, सरकार के स्तर पर कार्यवाही के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ये कहना है आपके विनीता श्रीवास्तव रजिस्ट्रार राजस्व मंडल का। तो पटवारी भर्ती दोस्तों आपके लगभग अब एक सप्ताह और लेट हो गई है और अगस्त के दूसरे सप्ताह में पटवारी भर्ती आएगी, लेकिन इस बार यह पटवारी भर्ती आपके 12वीं पास प्लस RSCIT प्लस कंप्यूटर में डिग्री के आधार पर आएगी। वहीं दोस्तों इसके एग्जाम की बात करें तो एग्जाम पर आप देख सकते हैं इस बार हो सकती है एक ही परीक्षा, जाने कब शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। आप यहां देख सकते हैं यह न्यूज आपके राजस्थान पत्रिका से ही है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट या डेट देख सकते हैं आप, कल यह कल शाम की यह न्यूज है 28 जुलाई की, कि इस बार आपके एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिर इसमें नीचे दिया हुआ है कि राजस्थान सरकार द्वारा बजट में घोषणा किए जाने के बाद अब युवाओं को अधिसूचना का इंतजार है और राजस्थान सरकार ने पटवारी के रिक्त पड़े 3835 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी तो दी, लेकिन इसकी विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई है और उम्मीद है कि अगले महीने में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर देगा और आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। पिछली सरकार ने 2000 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने अब 1835 पद बढ़ाकर 3835 कर दिए हैं और भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी और पटवारी भर्ती 2019 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करेगा, यानी अगस्त के दूसरे महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फिर आगे दिया हुआ इसमें कि पटवारी भर्ती में हुआ संशोधन, राज्य सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के 5% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण भी शामिल किया गया है, तो दोनों को यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। आगे देख सकते हैं आप नीचे दी हुई इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं कक्षा या समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों आपके 12वीं पास है और जो पिछली सरकार ने इसकी योग्यता ग्रेजुएशन रखी थी वह वापस से 12वीं पास इसमें हो सकती है, यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो जो 12वीं पास है वो भी आपके पटवारी भर्ती का एग्जाम या पटवारी भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। आगे दिया हुआ है कि राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही चयन किया जाएगा। पिछली भर्ती में 2 चरणों में परीक्षाएं ली गई थी, इस बार संभावना है कि समान पैटर्न वाली 2 परीक्षाओं की जगह एक ही परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा, इससे भर्ती परीक्षा को बहुत कम समय में पूरा किया जा सकेगा। तो पिछली बार आपके पटवारी भर्ती में 2 प्री और मेन 2 एग्जाम हुए थे, लेकिन इस बार आपके केवल एक ही एग्जाम होगा और पिछली बार आपके जो मेन एग्जाम का सिलेबस था वही सिलेबस आपके इस समय रहने वाला है और इस बार आपके भर्ती प्रक्रिया में समय भी कम लगेगा क्योंकि इस बार केवल एक ही एग्जाम होगा। तो लगभग आपके फरवरी 2020 में एग्जाम करवा कर जुलाई या अगस्त तक फिर आपका रिजल्ट भी निकाल दिया जाएगा। अब दोस्तों लास्ट में हम पटवारी भर्ती के सिलेबस को देख लेते हैं कि पटवारी भर्ती में सिलेबस क्या रहता है। तो इसके लिए आप skresult.com आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ रही है skresult.com। इस वेबसाइट पर आपको राजस्थान से जुड़ी हर भर्ती खबर आपको यहां पर मिल जाती है, तो यदि आप राजस्थान में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह वेबसाइट जरूर देखें skresult.com, इस पर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान पटवारी भर्ती जो नोटिफिकेशन है वो आपके 3835 पदों पर जारी किया जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे इसमें दिया हुआ है कि पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो कब जारी होगा, तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे, यहाँ पर डेट दी हुई है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में आपके पटवारी भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म जो हैं वो आपके भरवाए जाएंगे। फिर इसमें नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पटवारी भर्ती का एग्जाम कब होगा, दोस्तों यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि पटवारी भर्ती का एग्जाम कब होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं कि दिसंबर या जनवरी में पटवारी भर्ती की केवल संभावना है, इसलिए पटवारी भर्ती का एग्जाम आपके फरवरी 2020 में किया जाएगा। आगे दिया हुआ इसमें कि पटवारी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता, पहले शैक्षणिक योग्यता आपके 12वीं पास से बढ़ाकर स्नातक कर दी गई थी,
लेकिन अब वापस मांग उठ रही है कि स्नातक से हटाकर 12वीं पास की जाए। फिलहाल स्नातक है लेकिन आपके यह 12वीं पास होने की पूरी संभावना है। आगे दिया हुआ इसमें आयु सीमा, तो आयु सीमा आप देख सकते हैं 18 से 35 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए, बाकी आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। तो सिलेबस में यहाँ दिया हुआ है कि राजस्थान पटवारी मुख्य परीक्षा में कुल आपके 150% 300 नंबर के पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है और परीक्षा में आपके प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और मुख्य परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर ही कट ऑफ निकाल कर चयन किया जाएगा। फिर सब्जेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है कि आपके पेपर के अंदर 4 टॉपिक आते हैं, एक राजस्थान जीके, एक हिंदी, मैथ और कंप्यूटर। राजस्थान जीके आपके 12वीं लेवल की होगी और 100% पूछे जाएंगे, वहीं हिंदी आपकी 12वीं लेवल की होगी और 50% आपसे पूछे जाएंगे। मैथ्स, केवल मैथ्स है, रीजनिंग नहीं है, केवल मैथ्स आपके 10वीं लेवल की होगी और आपके 100% पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर की आपकी केवल सामान्य नॉलेज पूछी जाती है, वो आपकी होती है 50 क्वेश्चन। तो इस प्रकार आपके 150% 300 नंबर के पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। साथ ही हमारे कुछ फ्रेंड्स बुक्स भी पूछ रहे थे कि सर कौन सी बुक्स पढ़ें, तो हमें बता दें उन्हें कि राजस्थान जीके के लिए आप लक्ष्य या फिर राय की बुक ले सकते हैं। लक्ष्य और राय दोनों आपके लिए बेस्ट रहेंगी। इसके अलावा एक राजस्थान मानचित्रावली भी आती है, इसमें चित्रों के माध्यम से आपको राजस्थान जीके पढ़ाई जाती है, तो वह भी आप ले सकते हैं। हिंदी के लिए आप जो राजस्थान बोर्ड की बुक आती है, जो सरकारी बुक आती है राजस्थान बोर्ड की 9th क्लास से 12वीं क्लास तक, वो बुक लें आप, वो सबसे बेस्ट रहेगी आपके। फिर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आप किसी भी के नोट्स ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं और प्लस में आप RS अग्रवाल की प्रैक्टिस के लिए बुक लेंगे। नोट्स से आपको पढ़ना है और RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाते हैं। और लास्ट में जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए आप राय की स्पेशल बुक आती है, वह आप बुक ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी सवाल बच गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।